हेलो गाइस, दिस इज जगदीश पाठक एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पाठशाला। बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर होगा। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। देखो, कोई भी चैप्टर आप करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, ताकि इनकेस आप पढ़ना आपको पता रहेगा कि आपने कुछ कुछ टॉपिक कर लिए और आपके टॉपिक कितने बचे हैं। इससे आपका चैप्टर इजी हो जाता है। ठीक है, और आपको चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, इस पार्ट को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस पार्ट मेरा वीक है, न्यूमेरिकल्स पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है, डेरिवेशन पार्ट मेरा वीक स्ट्रॉन्ग, अपने हिसाब से आप उसको चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा जो कॉम्पिटिशन में आपको पता है टॉपिक क्या है, और कॉम्पिटिशन के प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है कि हाँ, मेनली इसी टॉपिक से आते, तो इसी टॉपिक को आप अच्छे से पकड़ते हो। ठीक है, और हम आपकी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते रहते हैं। चलिए सॉल्यूशन का देख लेते हैं, लेक्चर प्लान क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, वैसे देखो लेक्चर प्लान, देखो एक तो मतलब मैं बता देता हूँ, सॉल्यूशन वर्ड आपको सुनते ही समझ आ रहा होगा कि हाँ, लिक्विड की तो बात होने वाली है। सॉल्यूशन तभी बनता है तब लिक्विड होगा वहाँ। ठीक है, अदरवाइज वो तो मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं विदाउट लिक्विड के। आप किसी चीज को सॉल्यूशन बोलते हो? नहीं बोलते। ठीक है, इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लिक्विड तो पढ़ने ही पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब लिक्विड एक मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ। ठीक है, और लिक्विड के साथ कभी हम सॉलिड डालेंगे, कभी गैस डालेंगे, इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, सॉल्यूशन वर्ड का जो मतलब है बेटा यहाँ, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, वो हमेशा आपको पता ही है, वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और यहाँ आप लिक्विड की मैं बात करूंगा पूरे ओवरऑल चैप्टर के अंदर। तो लिक्विड को पकड़ के बैठना, जैसे आपने 11th में स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, ठीक है, आपने वहाँ गैसेस लिक्विड की बात करी थी, बट वहाँ जनरली आपने मेजरली वैसे आपने गैस की बात करी थी। ठीक है, और सॉलिड स्टेट के अंदर आपने सॉलिड की बात कर ली, और इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर बातें गैसेस के लिक्विड के भी आप में करने वाला हूँ। ठीक है, गैसेस भी इन्वॉल्व करूंगा, बट लिक्विड यहाँ ज्यादा अमाउंट कम पड़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं लेक्चर प्लान क्या है। मिसाल देखो, जो पहला टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। किसी भी लिक्विड की आपको कंसंट्रेशन बतानी है कि भाई कितना अमाउंट हमने यूज कराया है, तो आप कंसंट्रेशन टर्म्स निकालोगे। ये मैंने आपको 11th के पहले चैप्टर में कराया है। जिसको नहीं आता कंसंट्रेशन टर्म्स, तो मेरी वो 11th के चैप्टर नंबर 1 की कंसंट्रेशन टर्म्स की वीडियो दे सकता है। सेम वही टॉपिक्स हैं, एक न्यूमेरिकल में करा दूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हाँ, कुछ फॉर्मुलेस लिखवा दूंगा डायरेक्ट। देखो, इस टॉपिक को मैं डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला लिखवा दूंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, आपको 11th नहीं देखनी पड़े। ठीक है, पूरी वीडियो ना देख के किसी को याद है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भूल रहे तो फॉर्मूले देख के याद हो जाएगा, क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा रिकवर हो जाएगा कि हाँ, भाई चैप्टर को कैसे कंसंट्रेशन टर्म था क्या। एक्चुअली चैप्टर आपको आता है सेकंड से बेटा। ये फर्स्ट टॉपिक ये मत सोचना कि मैंने कहा कि ये नॉर्मल है, ये आपको आता है एग्जाम में बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये जिसको आता है, पूरे चैप्टर पूरा घूमता रहता है मोल पे, ठीक है, नॉर्मलिटी पे, मोलरिटी पे, ठीक है, ये तो, और मोल फ्रैक्शन में, पूरा चैप्टर के अंदर मोल फ्रैक्शन में यूज करते रहूंगा। ठीक है, तो आपको ये तो आना ही चाहिए, ये आपको आएगा तभी आपको आगे कर पाओगे। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी हम सेकंड पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉलिड इन गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में हम सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं और हम लिक्विड के अंदर गैसेस को डिजोल्व कर रहे हैं, तो कितने अमाउंट में सॉल्युबिलिटी होगी, क्या क्या फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जब भी हम लिक्विड के अंदर गैस पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक निकल के आएगी हेनरी लॉ। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, हेनरी लॉ होती क्या है। ठीक है, इसको ड्राइव करेंगे कि कैसे आपकी यहाँ आपके फॉर्मूला जनरेट हुआ होगा, कैसे ग्राफ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, हम वेपर प्रेशर की भी बात करेंगे, वेपर प्रेशर होता क्या है, दो लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, और यहाँ से एक निकल के आएगी लॉ, वो है रॉड्स लॉ। ठीक है, रॉड्स लॉ को भी कभी काफी डिटेल में देखेंगे, इसकी छोटे से डेरिवेशन है वो भी देखेंगे, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी इंक्लूड करेंगे साथ के साथ। फिर आता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल के अंदर आपका वैसे पॉजिटिव, नॉन आइडियल के अंदर आपका डेविएशन भी आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इनको भी डिटेल में देखेंगे, आइडियल नॉन आइडियल को। उसके बाद आएगा एज़ोट्रॉप्स मिक्सर, इसके बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेन जो टॉपिक है, जो कॉम्पिटिशन में आने वाले क्वेश्चन है, वो आते हैं एज़ोट्रॉप्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। क्वेश्चन कन्फर्म आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं, चार प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, रिलेटिंग लोवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, आपका रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर लोअर क्यों हो रहा है, डाउन क्यों जा रहा है। ठीक है, लोअर का मतलब डाउन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, एवोल्यूशन। ठीक है, ए, ठीक है, एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन यहाँ गलत लिखा बेटा मैंने। ठीक है, एलिवेशन है ये। ठीक है, यहाँ गलत लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है।
और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मैं सही कर दूंगा आगे तो पढ़ाऊंगा तो ठीक है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस के भी बारे में बात करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इसी के अंदर। और यहाँ कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आना ही आना है कंफर्म, ये मान के चलो नीट आईआईटी का हॉट टॉपिक है ठीक है। इससे नहीं आया तो इससे आएगा ठीक है, इससे सिक्स और सेवन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो सेवन टॉपिक है वो बेटा है एबनॉर्मलिटी ऑफ मोलर मास ठीक है। मोलर मास में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं वो भी हम बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, भाई मोलर मास तो सेम होना चाहिए था बट एबनॉर्मलिटी कैसे आ रही है नॉर्मल मासेस मोलर मासेस वो भी देखेंगे। वो हम किसके थ्रू पढ़ेंगे उसको, वो हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के थ्रू ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉट टॉपिक में यहाँ ठीक है। आपने बाकी चीजें सुनी होंगी, बाकी चीजें का मतलब आपने हल्का हल्का सुना होगा, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे पूरे चैप्टर के बारे में, बट यहाँ से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से और वेंट ऑफ फैक्टर बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया हॉट टॉपिक है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बन सकते हैं ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम की छोटी छोटी चीजें भी मैं इन्वॉल्व करने वाला हूँ ठीक है। किस तरीके से यहाँ का आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डिवाइड होता है सॉल्यूशन, वो सारी हम चीजें के बारे में बात करेंगे ठीक है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्म में लेके आया हूं मैं क्योंकि मैंने इसको इलेवेंथ में भी आपको बताया था, आपने नहीं आता ठीक है। जिसको लगता है कि इसको वीक है कंसंट्रेशन टर्म्स तो आप मेरी इलेवेंथ की वीडियोस दे सकते हैं ठीक है। पहले चैप्टर में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ठीक है, उसमें मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स काफी डिटेल में बताया है, अभी मैं डायरेक्ट लेके आया हूँ। देखिए देखो यहाँ जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो होती है, पहले जो है मास परसेंटेज है, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसमें जो मास परसेंटेज है ऑफ द सॉल्यूट है, मास परसेंटेज का मतलब आपको सभी को बताया है, तब 100 से कंपेयर करते हैं तो हम परसेंटेज वर्ड यूज करते हैं ठीक है। यहाँ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है, और देखो वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोला जाता है इसको, वेट बाय वेट का मतलब ऊपर भी मास होगा नीचे भी मास होगा ठीक है। और यहाँ देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना तो ऊपर किसका सॉल्यूट का निकालना तो मास ऑफ सॉल्यूट, उसी तरह सॉल्वेंट का निकालते तो मास ऑफ सॉल्वेंट आता, और नीचे क्या आएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा ठीक है इनटू 100। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वी बाय वी परसेंटेज का मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम ठीक है। इसमें क्या होगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में क्या होगा, ऊपर भी आपका मैंने कहा था सॉल्यूट की बात करो तो ऊपर सॉल्यूट का आएगा नीचे टोटल आएगा क्या वॉल्यूम आएंगे ठीक है, और इनटू 100। उसी तरह से सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो आप ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब छोटा m ठीक है, स्मॉल m ठीक है, या छोटे मां कह सकते हो ठीक है। मोलालिटी को आप बड़ी मां कह सकते हो और नॉर्मलिटी को n नानी जी ठीक है। ये है छोटी मां, वो है बड़ी मां, ये है नानी जी ठीक है, सबसे बड़ी नानी जी आपकी ठीक है नॉर्मलिटी। चलो बात करते हैं आपकी मोलालिटी ठीक है। मोलालिटी क्या है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्मॉल m ही होती है, या उसको बोल सकते हो जो फॉर्मूला है देखो एन पी का मतलब क्या है। देखो याद रखना आप पूरी केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो मैं जहां भी ए और बी लिखूंगा ठीक है, इनकेस किसी के नोट्स में भी आप देखते हो या एनसीईआरटी में तो वैसे पूरा डिटेल में लिखा होता है। ये ए का मतलब होता है सॉल्यूट ठीक है, ए का मतलब बेटा सॉल्वेंट होता है, सॉरी ए का मतलब सॉल्वेंट यूज करूंगा, बी का मतलब मैं सॉल्यूट यूज करूंगा ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी है देखो बी का मतलब सॉल्यूट है बी का, और ए का मतलब सॉल्वेंट है, और एन का मतलब क्या है बेटा एन मोल्स को डिफाइन करता है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू किसको डिपेंड करता है वेट को डिफाइन करता है, तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है। और ये वेट किसमें होना चाहिए, केजी में होगा। जब भी आपकी मोलालिटी निकालनी है तो मोल ऑफ सॉल्यूट ठीक है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ठीक है, ये आपकी मोलालिटी होगी ठीक है। ये आपकी मोलालिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया मैंने अभी। उसी तरह से मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एम इसकी यूनिट होता है, सिंबल भी हम उसको कैपिटल एम से लिखते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ ये बात कर रहा है सॉल्वेंट का वेट है नीचे ठीक है। अब बड़ी जो माता जी है हमारी वो उनसे थोड़ी बड़ी होंगी तो वो सॉल्वेंट की बात नहीं करती, पूरा वॉल्यूम की बात करती, वो किसके सॉल्यूशन की, ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है तो ये सॉल्यूशन की बात करती है। तो ये बी सेम है ऊपर का, तो क्या ही है सेम है ऊपर का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो हमारी छोटी माता जी थी वो मोलालिटी वो बात कर रही थी वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो बात कर रहा है ये मोलालिटी जो बात कर रही है कैपिटल एम जो बात कर रही है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रही है इन केजी में ठीक है। और ये भी खत्म। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, दो मोल का फ्रैक्शन है ठीक है, दो मोल का फ्रैक्शन है सिंपली है, तो क्या है इसको हम साइज से बोलते हैं डिनोट करते हैं ठीक है। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट्स मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसकी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना उसको हम ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन ठीक है। यहाँ सॉल्वेंट का सॉल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था तो मैंने एनबी लिखा, नीचे टोटल लिखा है ठीक है। यहाँ भी मैंने टोटल लिखा है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
निकालना था, तो ऊपर मैंने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिया और इन दो को मैं प्लस कर दूं, दोनों के मोल्स को मैं प्लस करता हूं तो हमेशा वन आएगा, यूनिटी आएगा। ठीक है, ये बात भी याद रखना, तीन फॉर्मूले बन गए हैं इसके आपके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और बाकी तो सिंपल सिंपल था बेटा। देखो जो बच्चों को टफ लगता है वो लगता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में एक नया चीज आती है, एन फैक्टर। ठीक है, बच्चों को नहीं पता होता, सबको यहाँ समझ आ रहा है कि भाई यहाँ मोलरिटी आपको क्या बता रही है, ये बता रही है कंटेनर में आपने, ठीक है, सॉल्वेंट लिया 1 kg का और उसमें आपने कितने मोल मिक्स करे हैं, वो है आपका मोलरिटी। और यहाँ भी आपको पता है आपने वॉल्यूम लिया है 1 लीटर का और उसमें कितने मोल ऑफ मोल्स मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट का, ये आपके बताता है मोलरिटी। सर ये नॉर्मेलिटी क्या बताता है, ये क्या कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आता है इक्विवेलेंट। ठीक है, एक वर्ड आता है इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैंने कहा था ये नानी जी है, ठीक है, मोलरिटी, मोलरिटी की भी माता जी है, इसका मतलब ये और डिटेल में बताएंगे। इन्होंने थोड़ा डिटेल बताया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा और इन्होंने गहराई बताई, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन की बात हो गई थी। ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहे थे, ये सॉल्यूट के सॉल्वेंट की बात कर रहा था, ये सॉल्यूशन की बात कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ जो नॉर्मेलिटी होती है ये आपको बताती है इक्विवेलेंट, ये बताती है आपको कि आपने जो सॉल्यूशन के अंदर, मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास और आपने जो सॉल्यूट मिक्स करा है वो कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट, डिसॉल्व कितना हो रहा है या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना कर रहा है। ठीक है, ये और अंदर तक ये जानकारी आपको देती है नॉर्मेलिटी, ये वो जो आपने अमाउंट डाला है, जो सॉल्यूट डाला है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या बताऊंगा, देखना फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है वो है ये सिंपली, जो नॉर्मेलिटी है वो मोलरिटी जैसी है बट इनटू एक्सपीरियंस जुड़ गया उनका। ठीक है, एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब आपने कितना वो डिसॉल्व हो रहा है, एन फैक्टर ये उनका एक्सपीरियंस है। ये नानी जी है, वो माता जी की भी एक्सपीरियंस उनके पास और ज्यादा है, तो हमने एक्सपीरियंस से सिंपली एन फैक्टर से इनटू कर देंगे तो हमारे एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो एन फैक्टर की मैं पूरी वैल्यू ले दूंगा, तो देखो एन जो एम है हमारा कैपिटल एम का जो फॉर्मूला क्या था, एन बी बाय बी एल। ठीक है, देखो यहाँ क्या बन गया, ये पूरा फॉर्मूला क्या है, एम ही तो है ये, एन बी बाय बी एल। ठीक है, और इनटू एन फैक्टर। अब देखो मैं इसको जिस तरह से एनसीईआरटी में लिखा है मैं उसको उस तरह से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एनसीईआरटी में इसको किस तरीके से लिखा है। एनसीईआरटी में तो वैसे दिया भी नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कई बुकों में किस तरह से लिखा होता है, कई बुकों में डायरेक्ट इस तरह से लिखा होता है, कई बुकों में इस तरह से तीन फॉर्मूले लिखे होते हैं उसके। ठीक है, तीन फॉर्मूले को इक्वेट करके एक फॉर्मूला बनाया जाता है लास्ट में, कई टीचर इस तरीके से कराते हैं। देखो जो नॉर्मेलिटी का है वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और जो इसका फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट का वो होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। अब ये इक्विवेलेंट वेट नया वर्ड आ गया है, अब इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये सब की किसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूट की बात कर रहा हूं बेटा, यहां जो यूज करूंगा मोलर मास और सॉल्यूट की बात करूंगा मैं। ठीक है, यह एम नोट है, इसका मतलब ये मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, अब देखो मैं सबको कंबाइन कर दूंगा तो एम बन जाएगा इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो देखो मैंने ईएम मैंने सिंबल यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट वेट, ये नया वर्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंबल का नाम क्या है, और इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम लीटर ले लो आप, या इसको कैपिटल एन से नोट कर लो। ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले थे, आपको रिवाइज आ गया होगा, आई थिंक आपको याद आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था 11th में। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेंगे इस तरह का, डायरेक्ट सीधे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। और बेटा नेक्स्ट टॉपिक में आते ही मैं सॉल्युबिलिटी कराना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट। आपको मुझे लगता है आप कमेंट करते हो कि सर एग्जांपल के थ्रू मैं रिवाइज करा दो, तो मैं एक एग्जांपल करा दूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक में आऊंगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर सॉल्युबिलिटी को हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो 11th का पार्ट था, आज सिंपल इंट्रो हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है इस चैप्टर का कि हमने चैप्टर को पढ़ना कैसे है, और जो बेसिक था 11th का वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक है, नॉर्मेलिटी में क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, नॉर्मेलिटी में जब कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है कॉम्पोजिशन का तो थोड़ा कठिन करने की कोशिश करता है, तो नॉर्मेलिटी को उठाता ही उठाता है, तो नॉर्मेलिटी को थोड़ा डिटेल में बता दिया, एक यहाँ फॉर्मूला भी बता दिया जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, एन बाय एम इक्वल टू एन फैक्टर। ठीक है, ये भी बहुत यूज होगा आगे। ठीक है, इसको भी याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सॉल्युबिलिटी, तब तक के लिए बाय बाय।